हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे पास ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्रैकर नजर आ रहे हैं, इन सभी की शाम को करते हैं टेस्टिंग। तो दो प्रकार के हमारे पास पहले अनार हैं, ये देखो, ये है सिंपल अनार और ये है कलरफुल, बिग साइज का कलरफुल। ये देखो, ये बिग साइज का कलरफुल और ये है सिंपल। तो इनकी करेंगे टेस्टिंग, ये कैसे चलते हैं सिंपल अनार और ये कलरफुल अनार बिग साइज के। फिर हमारे पास ये स्पेशल चक्कर है, इनको चला के देखेंगे ये कैसे चलते हैं। फिर हमारे पास बिग साइज के बुलट बम है, ये देखो बिग साइज के बुलट बम, इनकी करेंगे टेस्टिंग ये कैसे चलते हैं। फिर हमारे पास है ये सुनंदा के चटर पटर वाले क्रैकर, इनकी करेंगे टेस्टिंग ये कैसे चलते हैं। फिर हमारे पास बिग साइज के सूतली बम, इनकी करेंगे टेस्टिंग ये कैसे चलते हैं। और फिर लास्ट में हमारे पास ये देखो एम आई टू रॉकेट है बिग साइज के। ये देखो एक बार इनका साइज देखो आप, ये देखो कितने बिग साइज के रॉकेट हैं। और ये MI2 रॉकेट है, मिशन इम्पॉसिबल MI2। तो ये ऊपर जाने के बाद दो बार साउंड करते हैं, ठीक है। तो इनकी टेस्टिंग करते हैं कैसा साउंड देते हैं और कितनी ऊपर तक जाते हैं। तो ये जितने भी आपको क्रैकर नज़र आ रहे हैं, इन सभी क्रैकर की शाम को करते हैं टेस्टिंग और वीडियो के अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सबसे पहले करते हैं जो कि हमारे पास है ये सिंपल अनार, इसकी करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं ये सिंपल अनार कैसा चलता है और इसकी कितनी देर तक टाइमिंग रहती है। तो चलो लगाते हैं एक बार इसके अंदर आग। अब लगाते हैं भाई सिंपल अनार के अंदर आग, 1 2 3। ये देखा भाई आपने, क्या शानदार चला हमारा जो कि सिंपल अनार था, क्या शानदार चला। लेकिन इसकी टाइमिंग कुछ खास नहीं रही। तो अब करते हैं जो कि हमारे पास है ये बिग साइज का सोका का अनार, कलरफुल अनार है बिग साइज का सोका का। तो अब इसको चला के देखते हैं ये कैसा चलता है और कैसी लाइटिंग देता है। तो चलो लगाते हैं एक बार इसके अंदर आग। अब लगाते हैं भाई, 1 2 3। तो भाई ये देखा आपने, क्या शानदार चला हमारा जो बिग साइज का कलरफुल अनार था, क्या शानदार चला और क्या शानदार उसकी टाइमिंग रही है। किस किस को पसंद आया मैं वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तो अब करते हैं जो कि हमारे पास सुनंदा का ये चटरपटर वाला क्रैकर है, इसकी करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं ये कैसा चलता है और इसके अंदर से कैसी लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। तो चलो लगा के देखते हैं एक बार इसके अंदर आग। अब लगाते हैं भाई इसके अंदर आग, 1 2 3। ये देखा भाई आपने, क्या शानदार और जोरदार चला हमारा जो कि ये चटरपटर सुनंदा वाला, किस किस को पसंद आया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अब करते हैं जो कि हमारे पास बिग साइज के बुलट बम है, ये देखो दो बिग साइज के बुलट बम है, इन दोनों के अंदर एक साथ आग लगाते हैं और देखते हैं ये बिग साइज के बुलट बम कैसा बजते हैं और कैसा धमाका करते हैं। तो चलो लगाते हैं एक बार इनके अंदर आग। तो भाई हम लगाते हैं आग, 1 2 3। ये देखा भाई आपने, क्या शानदार और जोरदार धमाका हुआ हमारे बिग साइज के दोनों के दोनों बुलेट बमों का, किस किस को पसंद आया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अब करते हैं जो कि हमारे पास बिग साइज का MI2 रॉकेट है, उसकी करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं वे आकाश में जाने के बाद कैसा धमाका करता है। तो चलो लगाते हैं एक बार MI2 रॉकेट के अंदर आग। तो भाई अब लगाते हैं इस मिशन इम्पॉसिबल MI2 रॉकेट के अंदर आग, ये देखो बिग साइज का है, अब इसके अंदर लगाते हैं आग और देखते हैं कैसा चलता है। तो चलो लगाते हैं आग। तो भाई अब लगाते हैं रॉकेट के अंदर आग, 1 2 3।
देखा भाई आपने क्या शानदार और जोरदार चला हमारा और आकाश में कितनी ऊपर तक गया है। किस किस को AMI-2 रॉकेट पसंद आया हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अब करते हैं जो कि हमारे पास मीडियम साइज का सुतली बम उसकी करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं वे कैसा धमाका करता है। तो भाई अब करते हैं इस मीडियम साइज के सुतली बम की टेस्टिंग और ये देखो हमने यहाँ पर इसके अंदर ये फ्यूज लगाया है। तो अब देखते हैं इस फ्यूज के अंदर लगाते हैं आग। ये जो फ्यूज है ये आपको पता होगा ये जो क्रैकर है ये बहुत ही जल्दी फटता है, हटने का भी टाइम नहीं देता, इस वजह से हमने इस फ्यूज को लगाया है। अब लगाते हैं इस फ्यूज के अंदर आग और देखते हैं क्या हमारा ये मिनी साइज का सुतली बम जो मीडियम साइज का सुतली बम है ये बचता या नहीं बचता और बचता तो कैसा धमाका करता। तो लगा के देखते हैं एक बार इसके अंदर आग। अब लगाते हैं भाई आग 1 2 3। ये देखा भाई आपने क्या शानदार बजा हमारा जो मीडियम साइज का सुतली बम था क्या शानदार बजा है। और जैसे कि हमने इसके ऊपर जो फ्यूज लगा रखा था उसकी मदद से हम आसानी से आग लगा सके और हटने का भी आसानी से पूरा टाइम मिला हमें। तो आप ये जो क्रैकर होते हैं जो कि टाइम नहीं देते बिल्कुल भी हटने का, उसमें जो ये फ्यूज होता है इसका उपयोग कर सकते हो। तो हमने आपको करके दिखा दिया कैसे उपयोग करते हैं फ्यूज का। तो अब करते हैं लास्ट एंड फाइनल जो हमारे पास स्पेशल चक्कर है उसकी करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं वो स्पेशल का चक्कर कैसा चलेगा। तो चलो लगाते हैं एक बार स्पेशल चक्कर के अंदर आग। तो भाई अब करते हैं स्पेशल चक्कर की टेस्टिंग। ये देखो ये हमारे पास स्पेशल का चक्कर, अब लगाते हैं और देखते हैं इसकी टाइमिंग कैसी रहती है। तो चलो लगा के देखते हैं एक बार इसके अंदर आग। अब लगाते हैं भाई 1 2 3। ये देखा भाई आपने कैसा चला, मुझे तो ये बहुत ही बकवास लगा है ये जो कि स्पेशल चक्कर था, आज नहीं चल पाया है। तो अब करते हैं यहीं पर वीडियो को समाप्त। हमने जितने भी वीडियो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रैकर की टेस्टिंग की, आपको कौन सा पसंद आया हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तो अब करते हैं यहीं पर वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्रैकर की टेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।